everyone, welcome to my channel Chemistry Solution, and today's tutorial video is about the Sonogashira coupling. So Sonogashira coupling is also known as the Sonogashira coupling reaction. Basically this is reaction is the example of a organopalladium chemistry. So what does mean by organopalladium chemistry or organopalladium compound or the first organometallic compound? So organic metallic compound are those compound in which the metal associated with the organic yani ki carbon group, मतलब मेटल कार्बन ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहेगा उसका कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलेंगे. साथ ही साथ अगर पैलेडियम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसोसिएटेड उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोपैलेडियम कंपाउंड्स. सो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोपैलेडियम केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनोपैलेडियम कंपाउंड का ये जो एग्जाम्पल है वो है सोनोगाशिरा coupling. So what does mean by organopalladium compound? Palladium is associated with the organic compound. For example, two times of यहाँ पर alkyl group देख रहे होंगे आप, दो time बार ethyl group यहाँ पर palladium को attach है. So palladium is a metal and is ethyl group is a organic group. This is which is associated with the palladium. This compound is known as the organopalladium compound. As the पैलेडियम हैविंग ए कैपेसिटी टू फॉर्म ए टू बॉन्ड, बिकॉज पैलेडियम की कैपेसिटी जो होती है दो बॉन्ड फॉर्मेशन की होती है. पैलेडियम दो ग्रुप के साथ अटैच रहते हैं. देखिए यहाँ पर पैलेडियम को दो इथिल ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई पैलेडियम कंपाउंड दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, यानी कि दो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो ये कंपाउंड रहेगा ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड. यहाँ पर ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड भी आप देख रहे होंगे. सो इसी तरह का ऑर्गेनो पैलेडियम कंपाउंड हम सोनोगाशिरा कपलिंग में यूज करेंगे जब हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे सोनोगाशिरा कपलिंग की. सो बेसिकली सोनोगाशिरा कपलिंग इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सीसी बॉन्ड. देखिए नेक्स्ट की पॉइंट है सीसी बॉन्ड. दिस रिएक्शन इज द कपलिंग रिएक्शन एंड यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीसी बॉन्ड, यानी कि जो रिएक्शन का प्रोडक्ट रहेगा उसमें आपको सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन होते दिखेगा, यानी कि कपलिंग होगी यहाँ पर अल्किल अल्किल ग्रुप की, यानी कि कार्बन कार्बन की यहाँ पर कपलिंग होगी. तो बिना देरी करिए हम यहाँ पर रिएक्शन देखेंगे. सबसे पहले मैं रिएक्शन में यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन लूँगी. सो सोनोगाशिरा कपलिंग में सबसे पहले यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन ली जाती है. अल्काइन यानी कि ग्रुप जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्काइन यानी कि वाई नहीं, देखिए जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो उसी तरह का कंपाउंड हम यहाँ पर लेंगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी. मैं यहाँ पर जनरली आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पोजिशन पर आप देख रहे होंगे. टर्मिनल पोजिशन के कार्बन को यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, दैट्स वाई ये टर्मिनल अल्काइन होंगी. यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज टर्मिनल अल्काइन रिएक्ट्स विद अल्किल हैलाइड. देखिए यहाँ पर अल्किल हैलाइड है एंड रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए पी डी यानी कि पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, यानी कॉपर सी यू यानी कि एज अ को कैटलिस्ट, यानी कि कॉपर भी एज अ को कैटलिस्ट यहाँ पर एक्ट करेगा. वेन टर्मिनल अल्किल अल्काइन एंड अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स टुगेदर, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि सोनोगाशिरा कपलिंग एक कपलिंग रिएक्शन है, तो यहाँ पर कपलिंग होंगी और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा. देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर सी सी यानी कार्बन कार्बन की कपलिंग होकर यहाँ पर हमको कंपाउंड मिला है जो है कपलिंग यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अल्काइन फॉर्म हो गया बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सी सी ट्रिपल बॉन्ड और बाय प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म. अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे. सो अभी हम सोनोगाशिरा कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे जहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और प्रोडक्ट फॉर्म में हम दिखाएंगे सी सी कपलिंग यानी कि सी सी बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम अभी मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप से. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ए मैकेनिज्म इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन. तो ऑक्सीडेटिव एडिशन यहाँ पर होने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पैलेडियम का कंपाउंड लेंगे. बेसिकली जो जबकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सोनोगाशिरा कपलिंग एक ऑर्गेनो पैलेडियम की रिएक्शन है, तो पी डी एल टू यानी कि पैलेडियम इज एसोसिएटेड विद टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स. यहाँ पर कोई भी लिगेंड्स हो सकते हैं और पैलेडियम के ऊपर होगा जीरो चार्ज. देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड फॉर्म करने के बाद पैलेडियम न्यूट्रल हो गया, यानी कि पैलेडियम के ऊपर जीरो चार्ज आ गया है. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन. ध्यान रखिएगा जो मैकेनिज्म रहेगा सोनोगाशिरा कपलिंग का वो साइक्लिक फॉर्म में रहेगा. तो यहाँ पर हम एक साइक्लिक मैनर फॉलो करेंगे जिसके थ्रू कि मैं आपको बताऊंगी कि रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है वो किस तरह से, ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं अल्काइन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये किस तरह से सी सी बॉन्ड प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म हो गया. तो फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन. सो अभी हम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन. सो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ ऑक्सीडेटिव एडिशन. सो ऑक्सीडेटिव एडिशन यानी कि एडिशन होगी और जो एडिशन रहेगी वो रहेंगी अल्किल हैलाइड की. देख रहे होंगे आप रिएक्शन में
कि हमने अल्किल हैलाइड भी लिया था, तो अभी हम यहाँ पर अल्किल हैलाइड हम पैलेडियम को सिंपली हम यहाँ पर ऐड कर देंगे. सो पी डी हियर. सो ऑक्सीडेटिव एडिशन का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, देखिए ये दो ग्रुप जो दो ग्रुप ऑलरेडी अटैच थे पैलेडियम को, अभी दो ग्रुप फिर से अटैच होंगे, ये रहेगा अल्किल हैलाइड. तो ये किस तरह से सिस एंड ट्रांसफॉर्म यानी कि ट्रांसफॉर्म में अटैच होंगे. सो देखिए यहाँ पर हम चार बॉन्ड मेंशन कर देंगे. यहाँ पर फोर्थ बॉन्ड है पैलेडियम का. सो यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर आर और यहाँ पर एक्स. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप रिएजेंट ऑक्सीडेटिवली ऐड कर रहे हो पैलेडियम के ऊपर वो ट्रांस ऐड हो यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो. देखिए आप दोनों ग्रुप भी एक दूसरे के अपोजिट है यानी कि ट्रांसफॉर्म यहाँ पर हुआ है. तो अभी पैलेडियम के ऊपर जो चार्ज रहेगा टू रहेगा. सो यहाँ पर टू चार्ज भी मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया, ये पैलेडियम के ऊपर चार्ज रहेगा. नेक्स्ट स्टेप रहेगी ट्रांसमेटालेशन. सो अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगी वो रहेगी ट्रांसमेटालेशन. सो यहाँ पर मैं ट्रांसमेटालेशन भी मैंशन कर देती हूँ. जहाँ पर जो टर्मिनल अल्काइन हमने एज अ रिएक्शन में रिएजेंट ली थी वो यहाँ पर ऐड होंगी. सो यहाँ पर हम एडिशन कर लेंगे टर्मिनल अल्काइन की, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड माइनस एच एक्स यानी कि हाइड्रोजन एलाइड यहाँ पर माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर अभी रिजल्टेंट कंपाउंड किस तरह से बनेगा देखिए. पी डी यानी कि पैलेडियम, फिर से हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे. आर यहाँ पर एज इट इज़, एल एल यानी कि दो लिगेंड्स भी एज इट इज़. और सिमिलरली पैलेडियम ने फोर बॉन्ड्स फॉर्म करे यानी कि इसके ऊपर अब टू चार्ज यानी कि प्लस टू चार्ज आ जाएगा क्योंकि पैलेडियम की चार्ज डेंसिटी बढ़ गई है. तो यहाँ पर पॉजिटिव टू पॉजिटिव यानी कि दो चार्ज हम यहाँ पर मैंशन कर देंगे. सिमिलरली हम टर्मिनल अल्काइन भी यहाँ पर ऐड कर देंगे. देखिए यहाँ पर टर्मिनल अल्काइन ऐड हो गई यानी कि यहाँ पर कपल हो गई है सिंपली. सो नेक्स्ट स्टेप रहेंगी ट्रांस टू सिस आइसोमराइजेशन. तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंपली कि यहाँ पर जो दो ग्रुप यहाँ पर अटैच है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है. तो डिफरेंट डायरेक्शन में जो हमको अगर यहाँ पर दो ग्रुप अटैच रहेंगे तो हमको प्रोडक्ट इजीली फॉर्म नहीं होगा यानी कि प्रोडक्ट इजीली फॉर्म नहीं होगा. दैट्स वाई यहाँ पर ट्रांसफॉर्म से यहाँ पर सिस फॉर्म फॉलो होगा. तो यहाँ पर मैं मैंशन कर देती हूँ ट्रांस टू सिस आइसोमराइजेशन यानी कि ट्रांस से अभी यहाँ पर सिस फॉर्म होगा सिंपली यहाँ पर. तो वही हम शो करेंगे अभी. ये पी डी यानी कि पैलेडियम एज इट इज़ और यानी कि यहाँ पर आर, यहाँ पर एल एल एज इट इज़ और पैलेडियम के ऊपर टू चार्ज भी एज इट इज़ रहेगा. और जो टर्मिनल अल्काइल हमने ली थी वो भी यहाँ पर हम एक साइड शो कर देंगे. देखिए ट्रांस से यहाँ पर सिस फॉर्म सिंथेसाइज हो गया. द लास्ट स्टेप ऑफ अ मैकेनिज्म इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा अभी लास्ट में जहाँ पर हमको फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा. तो वो कैसे मिलेगा देखिए. तो लास्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज द रिडक्टिव एलिमिनेशन यानी कि यहाँ पर सिंपली एलिमिनेशन होगा. सो देखिए अभी यहाँ पर एलिमिनेशन किस चीज़ का होगा. देखिए एलिमिनेशन वो रहेगा. देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन हो गया और फाइनली हमको जो कंपाउंड हमने जो रिएक्शन में एज अ मेन प्रोडक्ट बनाया था, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमने फोर्थ स्टेप में यहाँ पर ये सेम कंपाउंड बनाया. और बाद में जो कंपाउंड हमको रिकवर होता है ये कंपाउंड मिलने के बाद, सेम सिमिलरली हमने जो एज अ रिएजेंट यानी कि कैटलिस्ट लिया था वो पैलेडियम हमको एज इट इज़ यहाँ पर रिकवर हो जाएगा. साथ ही साथ उसकी चार्ज डेंसिटी भी मेंटेन रहेगी और उसके ऊपर जीरो चार्ज रहेगा. सो दिस इज़ अ ओवरऑल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ए सोनोगाशिरा कपलिंग. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरी वीडियोज़ को भी लाइक कर लीजिए. इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.